नमस्कार दोस्तों, मैं योगी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रंजना योगी ब्लॉग में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी वाराणसी बनारस की सीरीज चल रही है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने आपको 80 घाट पर होने वाले कार्यक्रम सुभाए बनारस दिखाया। आप जब भी बनारस आएं 80 घाट के सुभाए के कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। आप कोशिश करें कि सुबह 5-5:30 बजे तक 80 घाट पहुंच जाएं। इससे सबसे पहले वहां 5-6 बजे तक गंगा आरती होती है। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम संगीत गायन का है, जिसमें कि देश के प्रसिद्ध कलाकार भाग लेते हैं। और इसके बाद योगा होता है, साथ ही वहां हवन का कार्यक्रम भी चलता है और साथ में उसके बाद भजन कीर्तन भी होते हैं। जिसने ये वह एपिसोड नहीं देखा वह अवश्य जरूर देखे। मैं इस एपिसोड में मैं आपको 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक की पैदल यात्रा दिखाऊंगा तथा हम लोगों ने गंगा में स्नान किया। मैं आपको मशहूर घाट हरिचंद और केदार घाट तथा अन्य घाट भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक शिलालेख दिखाऊंगा जो कि 80 घाट के करीब था। उसमें 1 से लेकर 84 घाटों के बारे में इंफॉर्मेशन थी और वह कितनी कितनी दूरी में बसे हुए हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन थी। तो देखिए वो शिलालेख, ये जो बना हुआ है इसमें आपको दिखा रखा है कि कितने घाट हैं। ये देखो 0 किलोमीटर से शुरू होता है। ये सबसे पहले रविदास घाट और फिर 80 घाट, गंगा महल घाट और यह रीवा घाट, ये तुलसी घाट, ये मैथिली घाट, जानकी घाट, घाट माता अन्नमय घाट, वज्रराज घाट और ये निषाद राज घाट और ये प्रहलाद घाट, निषाद राज घाट और रानी घाट और राज घाट और खिड़किया घाट और आदि देश्वर घाट, ये 80 घाट है। तो ये बना रखा है इसमें कि टोटल 80 घाट हैं। ये देखो पूरे, ये पूरा 80 घाट का बता रहा है। ये देखिए ये बोट, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा था बनारस। हर हर गंगे, नमामि गंगे, गंगे यमुनेश चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा स्नान, माँ पावनी गंगा, सभी के दुखों को पापों को हरने वाली, जय हो गंगे। और आगे तक नहीं ना, और कितने तक? बस यही है ना, बहुत नीचे है और भी है, बहुत जुड़ी पर है, बस यहाँ तक है। हाँ जी, रस्सी
एक एक जी डुबकी लगाओ एक दो। अरे कहाँ जा रहा है थोड़ा? आप कहाँ के हो? आप सर आप कहाँ के हो? वीडियो बना रहे हैं। हाँ ठीक है सर। आयरलैंड। हाँ ये देखिए आ गया है महाराज हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पे चिताएं जलती रहती हैं लेकिन इस वक्त यहाँ पे हरिचंद जी वो करते थे। ये देखिए चिताएं जल रही हैं, चिताएं जल रही हैं। ये हरिचंद घाट, ये देखिए हरिचंद घाट की लकड़ियाँ। यहाँ पर देखिए ये इसको कहते हैं केदार घाट। यहाँ पे बड़ी सुबह का वक्त है और काफ़ी भीड़ लगी हुई है। देखिए काफ़ी लोग आ रखे केदार घाट में है। नहीं नहीं हुआ है, बोट पे हम कर ली हमने। कहाँ कौन से में लिखा हुआ है? वहाँ पे हिंदी में लिखा है ना? नहीं नहीं वो तो लिखा हुआ है, वो वैसे केदार केदारेश्वर मंदिर लिखा हुआ है, लेकिन वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तमिल। तमिल में? और वो सारे तमिल में? पूरा तमिल में। ये तमिल लोग आप भी तमिल हो? नहीं मैं तेलुगु। ये तेलुगु? मतलब तेलुगु केरला जानता हूँ। अच्छा अच्छा कितना अच्छा लगता है हमारा देश का पूरा। ओके थैंक यू। ये देखिए यहाँ बोट बन रही है, बोट रिपेयर हो रही है। इसी तरह यहाँ कितनी बोट, बनारस में इतनी सारी बोट्स हैं कि जैसे बोट ही बोट। ये दरभंगा घाट कोई महल जैसा बना हुआ है। मुंशी घाट कितने वीडियो। ये देखिए है दशमेश घाट। यह है दशमेश्वर घाट लिखा हुआ है। यहीं पे सुबह आरती होती है। देखो यहाँ देखो यहीं पे होती है आरती, इसी पे खड़े होकर आरती होती है। अब आपको नज़दीक से देखिए, उस वक्त तो सुबह भीड़ होती है। सुबह हमने रात को शाम को किया था हमने, शाम को आरती होती है यहाँ पे। देखिए दशमेध घाट। यह दशमेध घाट य
ये गंगा। देखिए मंदिर, ये दशाश्वमेध घाट। और इस तरह हम घाट वॉक करते हुए 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक आए। बीच में हमने कई घाटों के दर्शन किए और बीच में हम लोगों ने स्नान भी किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य बनारस के रंग में। धन्यवाद। ये दशाश्वमेध